हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकाश के समवयता के तृतीय भाग में प्रकाशीय समवयता से संबंधित अन्य चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे इनेंशियोमर्स, यानी सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिबिंब रूप। ऐसे समावयवी, इसको हम ऐसे समझें कि ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, या हम ऐसा कहें कि कांच में देखने पर जो दूसरी तरफ हमको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ऐसे दो यौगिक इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। हम यहाँ पे उदाहरण में देखें तो आपको दिखाई दे रहा है डी लैक्टिक अम्ल और एल लैक्टिक अम्ल। यदि हम दोनों को देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, इसे हम इनेंशियोमर्स कहेंगे। पहला वाला डी लैक्टिक अम्ल है और सेकेंड वाला एल लैक्टिक अम्ल है, तो इसको हम इनेंशियोमर्स कहेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इसमें हम देख रहे हैं कि पहले वाले में OH राइट साइड में है और दूसरे वाले में OH लेफ्ट साइड में है, जो दर्पण में देखने पर एक दूसरे के सामने दिखाई देंगे। तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हुए। अब हम इसको दूसरे एग्जांपल में देखें, टार्टरिक अम्ल का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट डी टार्टरिक अम्ल है, सेकेंड एल टार्टरिक अम्ल है। अब फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ यदि OH राइट साइड में है तो उसी के सामने वाला जो यौगिक है उसमें OH लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है और इनको हम फर्स्ट और सेकेंड को इनेंशियोमर्स कहेंगे। इसी प्रकार मेजो टार्टरिक अम्ल को यदि ये देखें तो मेजो में ये OH इसमें राइट साइड में है थर्ड वाले कंपाउंड में, जबकि फोर्थ वाले कंपाउंड में OH और OH ये लेफ्ट साइड में है। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इस तरीके से हम जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं यौगिक, उनको हम इनेंशियोमर्स या प्रतिबिंब रूप कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे टार्टरिक अम्ल में फर्स्ट सेकेंड का और थर्ड फोर्थ का इनेंशियोमर हुआ। अब हम बात करते हैं अप्रतिबिंब रूप, यानी कि डाईस्टीरियो आइसोमर। डाईस्टीरियो आइसोमर यदि हम टार्टरिक अम्ल का ऊपर वाला ही एग्जांपल देखें जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट और सेकंड इनेंशियोमर है, जबकि थर्ड और फोर्थ ये भी आपस में इनेंशियोमर है। यदि हमने बोला कि फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ एक दूसरे के क्या है, तो इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट वाला यदि थर्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो इसको कहेंगे कि ये एक दूसरे के डाईस्टीरियो आइसोमर है। इसी प्रकार सेकेंड वाला फोर्थ का डाईस्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं और उनका अणुसूत्र समान है, तो ऐसे यौगिक डाईस्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। अब हम थ्रियो और एरिथ्रो के बारे में बात करेंगे। यदि थ्रियो और एरिथ्रो की बात करें तो थ्रियो में हम ये जो नामकरण है थ्रियो और एरिथ्रो, ये ऐसे यौगिकों पे लागू होगा जिसमें एक समूह डिफरेंट होगा। अर्थात यदि एक कार्बन से ए बी डी जुड़े हुए हैं तो दूसरे कार्बन से ए बी ई जुड़े हैं मान लो, तो ये इस टाइप के यौगिकों पे लागू होता है। अब हम देखें
यदि इसका एक एग्जांपल लें, 2,3-dibromobutanoic अम्ल, तो एरिथ्रो का मतलब ये हुआ कि इसमें BR-BR जो दिख रहे हैं वो सेम साइड में है, इसमें भी BR-BR सेम साइड में है, और समान समूह जब एक ही तरफ होते हैं तो उसको हम एरिथ्रो कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम बोलें कि समान समूह विपरीत तरफ है तो ये 3O आइसोमर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि CABD और CABE ये क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस C से, नीचे वाले C से CH3 जुड़ा हुआ था, H और BR जुड़े हुए थे, जबकि इस C से, ऊपर वाले C से CHH जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है और BR जुड़ा हुआ है। अर्थात अलग अलग C से दो समान समूह तो जुड़े हुए हैं किंतु तीसरा समूह अलग जुड़ा हुआ है। तो ऐसा हमने देखा कि यदि दो समूह जुड़े हुए हैं, समान है, तीसरा समूह डिफरेंट है, तो ऐसे समूहों, सॉरी, ऐसे यौगिकों के लिए जो नामकरण किया जाएगा वो 3O और एरिथ्रो किया जाएगा। अब हम आते हैं एपीमर पर। तो एपीमर क्या होते हैं? एपीमर ऐसे यौगिक है जिसमें किसी एक कार्बन पर विन्यास में परिवर्तन होता है। यौगिक में बाकी सब कार्बन में विन्यास समान रहेगा लेकिन किसी एक कार्बन पर विन्यास में अंतर रहेगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं डी ग्लूकोज और डी मैनोज का। तो डी ग्लूकोज में यदि हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग क्रियात्मक समूह की तरफ से करते हैं, 1, 2, तो दूसरे नंबर का कार्बन आता है 1, 2, तो दूसरे नंबर पर कार्बन पे ग्लूकोज में OH दाहिनी तरफ है जबकि डी मैनोज में OH बाई तरफ है। इस प्रकार C2 कार्बन पे विन्यास में अंतर है, बाकी सब कार्बन पे यदि हम देखेंगे तो विन्यास समान है। तो इस प्रकार किसी एक ही कार्बन पे जब विन्यास में परिवर्तन होता है तो ऐसे यौगिक एपीमर्स कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं DL नामकरण पे। DL नामकरण हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले रोजेनॉफ ने 2,3-dihydroxypropanol यानी कि डी ग्लिसरेल्डिहाइड और एल ग्लिसरेल्डिहाइड को बताया था, जिसमें हम ये बोलते हैं कि ग्लिसरेल्डिहाइड के दो यौगिक हैं, एक को डी कहा गया, डी यहाँ पर कैपिटल है, एल भी यहाँ पर कैपिटल है, ये विन्यास को दर्शाएगा। अर्थात यहाँ पे हम कार्बन से जुड़े हुए OH और H को डिफाइन करेंगे। ऐसा विन्यास जिसमें हम बोल रहे हैं कि कार्बन पे OH राइट साइड में है और कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में है, तो इनके विन्यास को हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बताएं कि कार्बन पे यदि OH राइट साइड में है तो इसको हम डी कहेंगे, कार्बन पे OH यदि लेफ्ट साइड में है तो इसको हम एल कहेंगे। इसी प्रकार से अन्य यौगिकों को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डी ग्लिसरेल्डिहाइड और एल ग्लिसरेल्डिहाइड को मानक पदार्थ माना गया। एमिल फिशर ने इसके आधार पर आगे अन्य यौगिकों को डी श्रेणी और एल श्रेणी में रखा। तो इसको हम देख सकते हैं, यहाँ एल श्रेणी है जिसमें हम देख रहे हैं कि OH लेफ्ट साइड में है कार्बन पे, और यहाँ पे डी श्रेणी है जिसमें OH राइट साइड में है। चलिए देखते हैं आगे, ये कुछ यौगिक है जिसमें हम बता सकते हैं। जैसे हम यदि डी ग्लूकोज की बात करेंगे तो डी ग्लूकोज में अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन से OH का विन्यास पे OH राइट साइड में है, उसको हम डी कह दें। तो कैपिटल डी उसी को कहेंगे जिसमें
यदि कोई यौगिक है तो उसमें मैक्सिमम नंबर वाला कार्बन जिसका विन्यास हमको देखना है, जिस पे सी से जुड़े हुए एच और ओ एच है, ऐसा कार्बन हमको लेना है जिसका कार्बन का नंबर जो है मैक्सिमम आता हो, यानी कि अधिकतम आता हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस यौगिक में 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवें नंबर का कार्बन आ रहा है, क्योंकि सी एच ओ की तरफ से नंबर स्टार्ट करेंगे तो पाँचवें नंबर का कार्बन आएगा। तो पाँचवें नंबर यानी कि अधिकतम नंबर हुआ, जिस पे हम ये बोलते हैं कि ओ एच किस तरफ है। ओ एच यदि राइट साइड है तो उसको हम डी कहेंगे, यदि ओ एच लेफ्ट साइड है तो उसको हम एल कहेंगे। यदि हम फ्रक्टोज की बात करें, दूसरा एग्जांपल ले लें, फ्रक्टोज में भी यदि ओ एच राइट साइड में है तो इसको हम डी कह रहे हैं। इसी प्रकार अब ऐसे कौन सा यौगिक होगा जिसमें हम डी और एल नामकरण नहीं कर पाएंगे, तो ये ऐसा यौगिक देखें, यह है टार्टरिक अम्ल। इसमें ओ एच ऊपर की तरफ भी है, नीचे भी ओ एच सी डब्ल्यू एच ऊपर भी है और सी डब्ल्यू एच नीचे भी है। तो जब दोनों तरफ समान समूह है तो सी कौन सा सी एच ओ एच लेना है या ओ एच राइट साइड होगा लेफ्ट साइड होगा हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे डी और एल नाम हम नहीं दे सकते हैं। बॉटम में हमको सी एच टू ओ एच टाइप का कोई यौगिक ही लेना चाहिए, या अन्य यौगिक भी हो सकते हैं, लेकिन सी डब्ल एच यदि क्रियात्मक समूह है तो यहाँ का क्रियात्मक समूह डिफरेंट होना चाहिए, और जिधर से हम नंबर डालेंगे वहाँ से अधिकतम नंबर वाला कार्बन लेना होगा, जिसमें ओ एच राइट साइड या लेफ्ट साइड हो सकता है। अब यदि हम देखें इस एल ग्लिसरिक अम्ल की बात कर रहे हैं, तो इसमें ओ एच जो है वो लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको एल कहा है। ऐसे हम सभी यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और प्रकाशीय समवयता से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू। यदि आपकी कोई क्योरी है तो गूगल क्लास सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।